अगर आप किसी दोस्त को पिक इमेज या वीडियो सेंड करते हैं वो ही देखे और कोई उसको ना देखे तो इस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में करता हूँ वेलकम, चाहे नाजिर इमेज हो चाहे अब ये वीडियो हो, आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कोई भी चीज सोशल मीडिया के लिंक पर सेंड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से उस चीज को पासवर्ड लगा सकते हैं, वो जिसको आप सेंड करेंगे बस वो ही दोस्त देखे आपका, उसे कोई ना देखे। हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक इमेज सेंड की थी अपने दोस्त को, वो उसकी सिस्टर ने जो कि वो इमेज को देख लिया था, जो कि उनके उनके घर वालों को उसके तरफ से डांट पड़ी थी, तो मैंने कुछ इस तरह की टिप्स आपके लिए लेके आया। बस मैं किसी चीज को सेंड करूं बस वो आप ही देख पाए और कोई ना देख पाए, तो इस ऐप में हम सब कुछ बताएंगे तो क्या करना है। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं बेड टाइम्स के जी। तो दोस्त बात करते हैं, अगर आप अपनी इमेज को किसी दोस्त को सेंड करना चाहते हैं बस वो ही देखे और कोई ना देखे उस इमेज को, तो ऐप की तरफ, तो उस ऐप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इधर से ऐप को ओपन करनी है, ओपन करने के बाद प्लस का निशान है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद तो आपने इमेज को पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद तो आपने डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर कुछ एरो का निशान है, आपने इस एरो के निशान पर क्लिक करना है, जो कि इस तरह का कुछ नेम होगा। आपको फर्स्ट नेम देना है, जिस तरह से मेरा नाम है रिहान, मैं रिहान नेम रख देता हूँ। और आता है पासवर्ड, आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने कोई भी पासवर्ड टाइप कर देना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद तो आपने इस ओके के निशान पर क्लिक करना है, जो कि ओके निशान पे कुछ इस तरह का आपके पास ऐड होगा, वो आपने ऐड को कट करना है। कट करने के बाद तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, आपने इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, चाहे आप व्हाट्सएप में करें चाहे इंस्टाग्राम में करो, तो आपने इधर से सेंड कर देनी है। सेंड करने के बाद तो आप जिस नंबर पर करनी है उस नंबर पर सेंड कर देनी है। सेंड करने के बाद तो वो इमेज जो कि उसको पास जो कि चली जाएगी। चले जाने के बाद अब उसको पता कैसे लगेगा जो कि आपने ये कोड लगाया है, तो उसको आपने मैसेज करके बता देना है वो इमेज सेंड की है मैंने, वो कोड जो कि सेंड किया है, तो वो कोड आपने डायल करना। तो इसकी खास बात ये है, हम इस इमेज को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांग गया, हम इस पर पासवर्ड डायल करते हैं, डायल करने के बाद ओपन करते हैं, जो कि आपके सामने वही पिक्चर जो कि आ गई। तो इस तरह की कुछ वीडियो थी, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट्स मिलती रहे।